थायो एसिड, थायो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशली सल्फर को, जैसे अल्कोहल होता है OH, अगर SH होगा तो थायोल, तो वैसे ही थायो वाला यहाँ पे भी एसिड में सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे अगर सल्फर सल्फर लिंकेज है उसे क्या बोलेंगे हम, थायो एसिड। एग्जांपल लेते हैं H2S2O4, इसके अंदर दो सल्फर हैं, अगर दोनों सल्फर के बीच में लिंक होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायोथायोनिक एसिड। इसको अगर हम अपने स्ट्रक्चर से अगर देखें, जो बेसिक था ऑक्सीजन है 4, 4/2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2, जो कि कम है 2.5 से, इसका मतलब सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डायोथायोनिक एसिड। दो सल्फर है इसीलिए, दोनों अगर हाइड्रोजन एसिडिक है, दोनों रिमूव हो गए तो क्या बना, H2O4 2-, एसिड का सॉल्ट बना, इसे क्या बोलेंगे, थायोनेट सॉल्ट। सॉल्ट का भी नोमेनक्लेचर देखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, डायबेसिक एसिड, दो एसिडिक हाइड्रोजन थे। H2S2O3, इस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टारमार्क बना लें। इसका स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल हम बनाएं, एस दो एस ले लें फिर उनके बीच में ऑक्सीजन, वहाँ पे गलती हो जाएगा। एक बार आप गलत स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर कभी गलत होगा नहीं, इसलिए पहले हमेशा प्रैक्टिस करने से कभी ना चूकें, जितना प्रैक्टिस करेंगे गलतियाँ हमेशा याद रहती है। तो H2S2O3 जैसे ही आएगा दिमाग में क्या रखना है, H2SO4 में एक ऑक्सीजन हटा दो और एक सल्फर लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये H2S2O3, एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर। तो ये क्या है, इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें देखो सल्फर, एक सल्फर के पास कुछ भी ऑक्सीजन नहीं है ना हाइड्रोजन है, एक ही सल्फर के पास है, एस और एस के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डिफरेंट है। जो डिफरेंट होंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए डिफरेंट वाले को अलग से ही पढ़ना है। ये कहाँ से डेराइव हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। एक ऑक्सीजन माइनस एक प्लस, ऐसे लिखेंगे तो गलती नहीं होगी, जैसे दिखेगा यही मारना है, टिक। दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग है, इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ये वाला जो सल्फर है यहाँ से कनेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे मिलेगा +1, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन ने खींच लिए तो +2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है +1, ऊपर सल्फर सल्फर है, जब ट्विन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं शिफ्ट होगा, तो क्या हो गया, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, दो बॉन्ड है -2 ऑक्सीजन पे, सल्फर पे +2, यहाँ पे बॉन्ड पे -1, यहाँ पे होगा +1, इस बॉन्ड में सल्फर और सल्फर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं होगा। काउंट करें इस सल्फर पे 2, 3, 4, ऑक्सीजन स्टेट क्या है इस सल्फर का, +4। ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉब्लम है तो सेपरेट एक क्लास में सिर्फ ऑक्सीडेशन ही डिस्कस किया गया है, उसको एक बार जाके चेक कर सकते हैं। मोनोथायो कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट मतलब ये कौन से बना होगा, कार्बोनिक एसिड से। जो कार्बोनिक एसिड होगा वहाँ पे थायो मतलब एक सल्फर आ गया, उसी से डिराइव होगा, ये रहा हमारा कार्बोनेट, एक ऑक्सीजन हटाओ वहाँ पे जोड़ दो सल्फर, ये ऑक्सीजन हटा सल्फर जुड़ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वाला और ये वाला, हमने तीन डिस्कस किए हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ो, सेकेंड और थर्ड पर ज़्यादा फोकस करो। थायो मतलब सल्फर, थायोनिक एसिड ऊपर थे थायो एसिड, ये है थायोनिक, सल्फर सल्फर ही बहुत सारे होंगे, H2SN+2, बीच में सल्फर के पास N+2 है O6, इन दोनों को अगर ऐसे भी लिख सकते हैं तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, हाउ मैनी सल्फर सल्फर लिंकेज, या इस फॉर्म में अगर है तो कितने N की वैल्यू हुई, N=2 अगर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, H2, ये वाले केस की बात करें, ये N नहीं, वहाँ पे नहीं, ये वाले पार्ट O6, दो सल्फर है तो डायथायोनिक एसिड, N की वैल्यू 1 रखा तो S3 हो जाएगा, तो ट्राईथायोनिक एसिड, N=2 रखा 2+2 4, टेट्राथायोनिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल, ये हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, बीच में और सल्फर आएंगे तो वो बीच में लिंकेज हो सकता है, तो यहाँ पे कितने सल्फर सल्फर आए, 2 SS लिंकेज। इस पर कैसे क्वेश्चन होंगे, हाउ मैनी SOS बॉन्ड, SS बॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल सल्फर प्रैक्टिस करना है। S अगर 4 है तो कितना आ गया बीच में, 2 लिंक, H2SN50 लिख लेते हैं हाइपोथेटिकल, इसके अंदर बीच में कितने सल्फर होंगे, एक सल्फर
वाला पार्ट ऐसा बनेगा, एक सल्फर यहाँ पे, तो दो सल्फर यूज़ हो गए, बीच में कितने सल्फर आएंगे 48। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा टाइम तो नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट लेकिन अगर नॉर्मल आए, यहाँ पे 8 है तो कितने सल्फर बीच में होंगे। क्वेश्चन अच्छे से देखना है कि बीच के सल्फर पूछ रहा है या टोटल सल्फर पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, या ऐसे लिंकेज पूछ रहे हैं। जितने भी होंगे उतने एक कम लिंकेज होगा। यहाँ पे 4 है तो कितने सल्फर लिंकेज, 1, 2, 3। 50 है तो कितने लिंकेज होंगे, 49। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर देख लेंगे, कब 1 होता है, कब 8, 8। ओके, थैंक यू।